ये देखेंगे कि हम किसी भी प्लेस का जो भी हमने सर्च किया गूगल मैप में, हम उसका लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड फाइंड करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमने एक बॉर्ड पहले से बना रखा है, जो कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बना के दिखाया था। तो अगर इस बॉर्ड को हम पाइथन स्क्रिप्ट से एक्सेस करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें इस बॉर्ड को पब्लिश करना पड़ेगा। तो हम पब्लिश कर लेते हैं इस बॉर्ड को। हम अपने पाइथन स्क्रिप्ट की हेल्प से रन करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमने फ्रॉम बॉर्ड स्टूडियो इम्पोर्ट ऑल, और फिर हमने बॉर्ड स्टूडियो डॉट न्यू, मतलब हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। इससे क्या होगा कि एक ऑटोमेटेड ब्राउजर खुल जाएगा। तो हम यूज़र से इनपुट लेंगे, जो यूज़र जिस भी, मतलब कि जो भी प्लेस से यूज़र जिस प्लेस का लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड फाइंड करना चाहता है, तो उसके लिए फिर जब यूज़र प्लेस दे देगा, तो उसके बाद हम बॉट को कॉल करेंगे dk.googlemaps q=place। और क्यू में, मतलब कि जो हम इनपुट देते थे बॉट में, वो क्यू में जाके वो सेव होता था। तो q=place जो यूज़र ने जो हमें प्लेस दिया है, तो यहाँ पर गूगल मैप में वो प्लेस सर्च हो जाएगा इस बॉट के कॉल होने से। फिर इसके बाद क्या होगा कि ए डॉट बॉडी, मतलब कि एक डिक्शनरी आएगी, और फिर बॉडी में और उस बॉडी की, मतलब बॉडी में URL एड्रेस नेम की जो एक की होगी, जो हमने अपने आउटपुट वेरिएबल बनाया था, जिसका काम ये था कि वो सेव उस प्लेस का URL एड्रेस कॉपी करता है जो भी प्लेस हमने फाइंड किया है। और वो कुछ ऐसा आएगा https://www.google.com/maps, और जो भी प्लेस का नेम, यहाँ जैसे चंडीगढ़ यहाँ पर है, तो यहाँ पर @, और ये देखिए इसका लेटीट्यूड है, ये 30.735, और कॉमा के बाद ये इसका लॉन्गिट्यूड है। तो ये एक स्ट्रिंग है, जो ये यहाँ पर ए जो आएगा यहाँ पर एक स्ट्रिंग है। हम इस ए को प्रिंट भी कर सकते हैं, प्रिंट ए, और फिर हम उसके बाद हमने क्या किया है कि इसको हमने इसी स्ट्रिंग को हमने स्प्लिट कर लिया है, और स्प्लिट किस पे किया है, @ पे। तो इससे क्या होगा कि ये जो @ से पहले वाले जो साइड है वो 0 पे आ जाएगा, मतलब दो यहाँ पर स्ट्रिंग आएगा, और मतलब एक लिस्ट रिटर्न होगी, और लिस्ट में दो वैल्यूज आएंगी, एक @ के पहले से एक आएगा, और एक @ के बाद जो स्ट्रिंग आएगी वो दूसरी स्ट्रिंग की दूसरी एलिमेंट होगी। और फिर हमने उसे फर्स्ट एलिमेंट को हमने अपने बी में सेव करवा लिया है उस लिस्ट का, और फिर हमने इसे उसे एक उस स्ट्रिंग को एक बार हमने और स्प्लिट करवा लिया है। तो हमने स्प्लिट कहाँ करवाया है, कॉमा पे। तो इससे क्या होगा कि लेटीट्यूड वाली जो वैल्यू होगी वो पहले फर्स्ट इंडेक्स पे आ जाएगी लिस्ट के, और लॉन्गिट्यूड वाली वैल्यू सेकेंड इंडेक्स पे आ जाएगा लिस्ट के। एक्चुअली फर्स्ट ये लेटीट्यूड वाली वैल्यू 0 इंडेक्स पे आ जाएगी, और लॉन्गिट्यूड वाली वैल्यू, मतलब कि फर्स्ट इंडेक्स पे आ जाएगा। तो हमने उसे यहाँ पर सेव करवा लिया है LAT मीन्स लेटीट्यूड, और फर्स्ट वाली वैल्यू को लॉन्ग मतलब लॉन्गिट्यूड, और हमने उसे यहाँ प्रिंट भी करवा लिया है। और हम इसे एक बार रन करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये खुल गया, और हम कुछ भी प्लेस जैसे यहाँ फाइंड करना चाहते हैं, जैसे कि हम यहाँ फाइंड करना चाहते हैं विजयवाड़ा, ये देखिए विजयवाड़ा यहाँ फाइंड कर रहा है, और यहाँ विजयवाड़ा फाइंड हो चुका है। ये देखिए यहाँ पर इस प्लेस का लेटीट्यूड आ गया 16.510244 और लॉन्गिट्यूड ऑफ दिस प्लेस 80.6098647, जो कि आप यहां से
मैच कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर है 16 पॉइंट, ये देखिए 16.510 2442 और 18.609864 7, ये इस प्लेस का लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड है। और हम इस और हम एक बार दोबारा इसे रन करके दिखाते हैं, जैसे कि हमने यहाँ सर्च कर लिया भोपाल, ये देखिए यहाँ पर ये भोपाल सर्च हो रहा है, सर्च हो गया यहाँ पर भोपाल, यहाँ पर ये प्रोग्राम हमारा पूरा रन हो गया। और इस भोपाल का कल एटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड यहाँ पर फाइंड, मतलब इसने प्रिंट करवा दिया है 23.199, ये देखिए यहाँ पर दिख भी रहा है 23.199 6633 17.77 पॉइंट्स, और ये इसे हम यहाँ से भी देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ भी 23.177.26, यहाँ भी यहाँ से भी हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। इस बॉट में इतना ही था। और ये देखिए, इससे पहले मैं ये बता देता हूँ, ये भी जो हमने प्रिंट करवाया है प्रिंट ये, ये देखिए एक लिंक है, अगर इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये एक पेज खुल जाएगा, ये देखिए उस प्लेस का जो यूआरएल एड्रेस खुल गया है, जैसे कि यहाँ पर खुला हुआ है।